निर्माणाधीन स्काई वॉक पर नशे में धुत एक युवक चढ़ गया है। स्काई वॉक पर चढ़ने के बाद वो आत्महत्या करने की धमकी देकर हंगामा मचा रहा है। युवक का ये ड्रामा काफी देर से चलता आ रहा है। शराबी युवक को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जाम होने लगा है। बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने उस युवक को हाई राइज मशीन के सहारे नीचे उतारा है, जिसमें युवक ने इतनी शराब पी हुई थी कि उस समय वह अपना नाम भी ठीक से बता नहीं पा रहा था। बाद में उसने अपना नाम वीरेंद्र दास मानिकपुरी बताया है। वो महासमुंद का रहने वाला है। युवक का कहना था कि रात में उसके 1300 रुपए चोरी हो गए थे, जिसकी टेंशन में आकर वह पेड़ के सहारे स्काई वॉक पे चढ़कर आराम कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, कितनी देर तक ये ड्रामा यूं ही चलता रहा? तक वह युवक स्काई वॉक पर चढ़ा रहा और काफी देर तक वो इस बात को लेकर हंगामा करने लगा कि 1300 रुपए उसके देर रात चोरी हो गए थे। उसी बात को लेकर वो टेंशन में था और बार बार ये धमकी दे रहा था कि वो स्काई वॉक के नीचे से कूद कर अपनी जान दे देगा। मौके पर जो फायर ब्रिगेड और मोगापाड़ा पुलिस की टीम है वो पहुंची और फिर थायराइड मशीन के सहारे उस युवक को नीचे उतारा गया। जब युवक से पूछा गया कि वो कहाँ से जाने वाला है तो बड़ी मात्रा में वो शराब के नशे में था और अत्यधिक मात्रा में शराब उसने ली थी, इसलिए वो अपना नाम उस समय नहीं बता पाया था। हालांकि उसको तुरंत मेहता अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उसने अपने नरेंद्र दास मानिकपुरी अपना नाम बताया और वो वहाँ से रहने वाला है। उसने पूछताछ में पुलिस को यही बताया है कि कल देर रात उसके पास से जो रखे 1300 रुपए है वो चोरी हो गया था और इसी बात को लेकर वो आहत था और टेंशन में था और इसी की वजह से पेड़ के सहारे वो स्काई वॉक पर चढ़कर वहाँ आराम कर रहा था। तो एक बड़ी घटना चलते चलते यहाँ पर रही। हालांकि जो शराबी युवक है वो अभी सही सलामत अभी सफल सही सलामत नजर आ रहा है। और युवक के परिजनों को सूचना क्या दे दी गई है? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर मोधापाड़ा पुलिस ने उनके परिजनों को फोन पर सूचना दे दी है। उनके परिजन युवक को लेने यहाँ पर आ रहे हैं और युवक के बारे में भी एक बार की जानकारी मिली है कि वो मजदूरी करने रोज महासमुंद से ट्रेन से सारे यहाँ पर रायपुर पहुंचता था। कल भी वो इसी सिलसिले में पहुंचा था, लेकिन उसके पास से जो रखे पैसे हैं वो चोरी हो गए थे, इसी वजह से वो वापस अपने जो घर है महासमुंद वो जा नहीं पाया था। तो अब उसके परिजन थोड़ी देर बाद आकर युवक को यहाँ से ले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। तो स्काई वॉक पर चढ़कर युवक काफी घंटे तक वहीं चढ़ा रहा और जमकर हंगामा मचा रहा था, जिसको देखकर आसपास लोग मौजूद जो थे वो इकट्ठा हो गए और तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस ने उस युवक को नीचे उतारा। हालांकि पूछताछ काफी देर तक चलती रही क्योंकि युवक ने शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी, वो होश में नहीं था। काफी देर बाद उसने अपना नाम वीरेंद्र बताया और कहा कि उसके 1300 रुपए चोरी हो गए थे, इस टेंशन में आकर वो ऊपर चढ़ गया था। बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए